आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज बयान टीवी। आज हम दिल्ली के विश्वविद्यालय के सामने खड़े हुए हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद को लेके वाद विवाद चल रहा है, तो ये आखिर पूरा मामला है क्या? आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन का वरीयता क्रम में पहला नंबर आता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के 72 सालों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि कोई दलित वरीयता क्रम से अध्यक्ष के पद पर आने के कोशिश में है। जो विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है, ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चर है, वो ये चाहता नहीं है कि उस सूची क्रम में प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन का नाम आने पाए, क्योंकि उस सूची क्रम में सारे के सारे सवर्ण मानसिकता के या सवर्ण लोग हैं जो 72 सालों से अध्यक्ष पद पर बैठे रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है ये है कि आप 72 सालों से इस विभाग में एक भी अध्यक्ष का पद नहीं दिए हैं दलित को, और आज हम अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के साथ अगर उस पद पर वरीयता क्रम के साथ, योग्यता के साथ आ रहे हैं तो हमें वो अधिकार आप दी, ये हमारी डिमांड है। तो वरिष्ठ प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्हें इस पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मनुवादी मानसिकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वरीय नहीं है, जिनका वरिष्ठता क्रम में नाम नहीं है, उनको बकायदा पीछे से कहीं उनका एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाता है और हम दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के तहत अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं जी। अध्यक्ष पद को लेके यहाँ पे एक न्याय मार्च रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये सहायक होगा इसके लिए? हम इसके लिए हमेशा दबाव बनाएंगे। आज जो न्याय मार्च है ये यहीं तक नहीं रहेगा, आगे भी, जब तक कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता और हमारे वरीय प्रोफेसर को अध्यक्ष पद पर नहीं बैठाया जाता, तब तक हम धरना प्रदर्शन लगातार जारी करते रहेंगे और यह दबाव सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं रहेगा, यह दबाव MHRD तक हम डालेंगे। इस प्रोफेसर को इस पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही धरना चलता रहेगा, ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे, तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।